और यहाँ से आप इसका पैटर्न देख रहे हो ना, और जब हम टायर डालेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हाइट में फर्क पड़ा है नहीं पड़ा, ये टायर कितना छोटा दिख रहा है और ये कितना, और वो 80 है ये MT है, तो लैडर और इस टायर के बीच कितना सा फर्क है, रैप पे भी थोड़ा सा आ गया है। मतलब इसका स्टेयरिंग मुझे लाइट फील हो रहा है, जहाँ तो पहले वाले जो मैंने जिप्सी के टायर डाल रखे थे उसमें कोई इशू था। पूरा घुमाओ, हाँ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोकेशन देख के आप समझ रहे हो कि फिलहाल हो रही है घर से व्लॉग की शुरुआत। तो हम कब घर आए थे, कितने दिन के लिए घर आए थे, वो सारा आपको अपडेट जो है वो दूसरे चैनल पे ही मिलता है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही रहा है, तरुण सिंह अग्रवाल मेरे नाम से। फिलहाल आज निकल रहे हैं जम्मू और घर आए थे थार लेके ही। जो भी लोग यहाँ पे हैं बाय बाय हमें बोल देंगे। मम्मी दो फिर दो ना पैसे, दो दो पैसे, ये क्या है, ऊपर जाते हैं लोग आप नीचे आ गए हो। 500 से 100 रुपए, 100 रुपए में कितने कप चाय आ जाएगी पता है, पता है? चाय थोड़ी पी, चाय थोड़ी पीनी है। मैंने तो एक झटके में ले लिए पैसे, ठीक है ओके जी बाय बाय। अच्छा आप तो साथ ही चल रहे हो, ओके तो मकसद तो चल फिर सारा अपने अपने उस की गल है ना। मैं कभी भी घर से जाता था तो मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे होता था अपसेट जैसा, आज वो नहीं है क्योंकि आज हमारे साथ। नहीं तो आपका कैसा है मूड? मेरा तो अच्छा ही है, कोई फील हो रहा घर से जा रहे हैं। और आज जिमनी के जो टायर है वो इंस्टॉल करवाने हैं, बिकॉज ऑफ रोड का एक दो दिन का बैकअप था, फिर घर आ गए थोड़ा सा दिमाग में रहते रेस्ट हो जाती है, फटाफट पहुंचते हैं जम्मू। टाइम हो रहा है 11:45 ना, और सब बच्चों को छुट्टी होगी, अगर इनके पेपर चल रहे हैं तो ये इतने बड़े बड़े बैग को लेकर आए हैं, चिमनी के अपने टायर ही चेंज करवाने हैं, तो सीधा जा रहे हैं रोहन भाई के पास, चिमनी उठा लेंगे वहाँ से, थार वहीं छोड़ देंगे, थार को छोड़ दिया है यहाँ पे। और ये देखिए क्या हालत है, रोहन भाई और मैं आप एक जैसे हो गए, ठीक है ना, दोनों काला चश्मा, वही फुल टाइम काले चश्मे के पीछे राज क्या है आपको पता ही क्या राज। चिमनी को निकालेंगे अभी यहाँ से। तो आ चुकी है जी एक ट्रांजिशन, और मुझे लग रहा है ये ट्रांजिशन अच्छी है, बहुत अच्छी है ना फील, मतलब यार जिमनी का भी फील, पता नहीं हमें क्या दिक्कत हो गई है, हमें ऐसा लगता है कि जिमनी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है छोटे साइज की वजह से, अच्छी लगती है। भैया को भी सेम लग रहा है ना, बिल्कुल। टायर जो है इसके आ चुके हैं, तो आज मेन काम जो है वो टायरों का ही है, नरवाल में पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने तरुण भाई को कहा मैंने कहा साथ में ही चलेंगे, जब टायर लेने जाना होगा सामान वामान घर पे छोड़ेंगे और फिर जाएंगे टायर लेने। सो गाइस टाइम हो चुका है लगभग 12:18, और आज जो वीडियो अपलोड करनी है वो अभी हुई नहीं है, तो चलिए फटाफट से वीडियो अपलोड कर लेते हैं। निकल चुके हैं अभी वापस, एक तो पीछे वाली सीट बेल्ट जो निकली हुई है ना ये बढ़िया बनेंगे। मैं ये बता रहा था जैसे आपके पास कौन सी गाड़ी है और आप कहाँ रहते हो, किस जगह में रहते हो, इस चीज का बहुत इम्पैक्ट है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ मेरे को सिर्फ जिमनी ही जो है वही से ही बैठती है, क्योंकि इधर सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं क्या इतना। जैसे ये देखो अब यहाँ थार हो तो आधी बन्नी पे चढ़ानी पड़े, कुछ करनी पड़े, कल ये फट्टे लगे हुए थे तो इससे भी दिक्कत हो रही थी, अब क्या करना है, ठीक है अच्छा है अपने पास जिमनी है। पहुंच गए हैं, और ये हमारा जो टायर हम टेस्टिंग के लिए लाए हुए थे, और टलना कौन सा है वो भी आपको बताते हैं, पर पहले तो टायर लेने जाना पड़ेगा। तो यार मेरी जिमनी ना मतलब स्टैंड आउट इतनी करती है, सिर्फ इसमें एक अभी जो कमी है वो है टायरों की, परफॉर्मेंस में भी कह लें, लुक्स में भी कह लें, हर एक चीज में। आज गुड शो बनेगा जिमनी का। याद आया मुझे जब मैंने अपनी थार के टायर लाए थे, तो हम इसुजू में गए थे टायर लेने के लिए पहले, ठीक है, तो आज ही मैंने कहा फील जो है हम पूरी लेंगे तो इसुजू में ही जाएंगे टायर लेने, हालांकि टायर हमारे सुबह के ही आ चुके हैं, मतलब ऑटो से भी हम मंगवा सकते थे, बट तरुण भाई को मैंने कहा जब मैं आऊंगा वेट करो आप मेरा, फिर उसके बाद साथ में चलेंगे सारे। हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक हो? बढ़िया जी। और सुनो? सब बढ़िया जी। टायर पहुंच गया ना? टायर पहुंच गया। पक्का? पक्का। चलो जी गाइस, एक तो इसुजू में बैठ के जो आती है ना फील, तरुण भाई मैंने इन फ्लैट की ना एड बड़ी देखी है कहीं इंस्टाग्राम पे, चले फ्लैट देखने यहाँ मिलते हैं आपके टायर। तो गाइस जब हमने मंगाया था तो हमारा तो वही नरवाल में आया था कहीं, उठाते हैं टायर डालते हैं इसुजू में, दिखाते हैं आपको टायर कौन सा है क्या है सिस्टम पानी, वो इसके पीछे कवर भी लगा हुआ है, ऐसा थोड़ी खुलता है। अच्छा ये यहाँ चाबी लगती है, पहले टायर उठाएंगे फिर दिखाएंगे। ये हमारे साथ है आज राजीव भाई, क्या हाल चले जी? ठीक हो? टाटा की गाड़ी लेनी है मैंने 4x4, कब दिलाओगे? तभी फटाफट टायर उठाते हैं, और टायर आपने देख तो नहीं लिया कहीं? ये रहा जी हमारा टायर, और यहाँ से आप इसका पैटर्न देख रहे हो ना, मतलब ये टायर खरीदने का इकलौता रीजन था ये पैटर्न जो है। सो बेसिकली ये MT टायर है अरिवो का, इस तरह का जो पैटर्न आता है। बाकी ये टायर कौन सी कंपनी का है वो आपको भी बात है बताते हैं। टायर साइज की अगर हम बात कर लें तो ये रहा जी हमारा टायर साइज 235/75R15 LT लिखा हुआ है इस पे, हाँ MT है, और ये देखो स्कल भी बना हुआ है इस पे, ये दोनों साइड शायद सेम होता है। तो एक टायर तो बाहर पड़ा हुआ था, बाकी चार टायर ऐसे दबा के रखे हैं आगे हैं, ये भी निकालते हैं इनको। ये ओ सिमड़ा भी थोड़ा
अरे मेरे टायर गंदे हो जाएंगे, नए टायर, इनको रोड पे थोड़ी चलाना है, इनको ऊपर रख के चलाना है। मतलब ऐसे नई चीज चाहे तो टायर ने चलना तो रोड पे ही है, बट फिर भी नया नया तो कोई नहीं, इसको पॉलिश मार लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे सर चारों पांचों। दो मिनट रुको, गाड़ी चला रहा हूं, दो मिनट रुको, आगे ट्रैक कर लेते हैं। चलो ठीक है, मोटर कार्बन दो टायर रखेंगे आगे। अच्छा आगे रखने, ऊपर रखो ऊपर रखो। तरुण भाई एक्सपर्ट है, अब मैं चलाऊंगा इसको। चलो जी, तो आज काफी दिनों बाद, और ये देखो मॉडिफाइड इसुज़ू है, ऐसे नहीं है, ठीक है, मोहब्बत है, मोहब्बत, कभी लूंगा वापस यार, बड़ा कुछ करना है। फिलहाल की तो दिक्कत ये है, जो पास में है वही चल जाए तो काफी है, लेने का तो चलो साइज की वजह से मुड़ने में थोड़ा सा इसको रहता है, पर बाकी अभी यहाँ से निकल रहे थे, हमने एक चीज देखी है आगे। तरुण भाई इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है हाईलक्स बिक रही है। अगर इतनी हाईलक्स कंपनी के बाहर खड़ी हुई है ना, इसका मतलब डिमांड वो सस्ती कर दी ना जो इन्होंने, उसकी वजह से बिकने लगी। देखो ना कितनी है, तीन तो इधर खड़ी है, मुंह मुंह अच्छा लगा देख के हाईलक्स। तनु भाई आपने तो नहीं हाईलक्स लेनी गई अभी तो नहीं, देखो ये भी अच्छी चीज है, विंच भी लगी हुई है। तो ये आर्मी को फोर्स ने टेस्टिंग के लिए गाड़ियां दी थी, लेकिन अभी ये सक्सेसफुल हो पाई नहीं हो पाई वो कोई पता नहीं है। पहुंच गए वापस, निकालते हैं टायर और जिप्सी को, इस तरह से देख लो आप, लास्ट टाइम जिम्नी को लगाते हैं आप ऊपर। तो तरुण भाई आ रहे हैं लेके गाड़ी को ना, और ये रहे हमारे टायर, पता नहीं मतलब ये टायर देख के ना खुशी सी हो रही है मेरे को, लग रहा है अब नहीं अब मजा आएगा असली वाला। बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरी जिम्नी को टायर की, और बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने, बिकॉज मैं टायर को फाइनलाइज नहीं कर पा रहा था यार, कौन सा डलवाए कौन सा डलवाए, फाइनली फोन से ही हम चेक कर लेंगे हाइट। ये देखो यार, अच्छा पता चल जाएगा सही, काट दो। हम हाइट मेजर करेंगे किसी दूसरे तरीके से नहीं, देसी तरीके से, जैसे ये हमने एक रॉड देख ली है ना, यहाँ पे इसको मार्क लगा देंगे, और जब हम टायर डालेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हाइट में फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। MMCMM हमें कुछ नहीं देखना, हम बिल्कुल रॉ ही चलेंगे जैसे हम हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम रॉ। तो चलो इससे एक निशान लगा लेते हैं बस, और देखो रॉड भी चक भी निकाली है, देख सकते हो गाइस, अभी रील की भी पूरी पूरी तैयारी की जा रही है, बिकॉज रील भी इंपॉर्टेंट है। टायर डाल रहे हैं भाई, टायर की रील तो बनानी पड़ेगी, और अभी जो है रिम हमारे स्टॉक ही रहने वाले हैं, रिम नहीं चेंज करेंगे, पहले इस पे चलाएंगे, फील लेंगे, फिर लगेगा हाँ चाहिए करना, और अच्छा सा डिजाइन जब हमें मिलेगा तब चेंज करेंगे। दोनों टायर जो है वो खुल गए, वैसे ऐसे देखा जाए तो टायर साइज ये भी ठीक था, बट चलिए जी आ गया टायर ऊपर। चढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है बैलेंसिंग, तो अभी होगी इसकी बैलेंसिंग। हाइट कुछ तो बढ़ेगी है ना, फर्क पड़ने वाला है, यहाँ से देखो हमारा पहले वाला था और पड़ेगा फर्क। चलिए गाइस अभी होगी बैलेंसिंग, हो गया ओके। तो चलो जी टायर आ गया, डल चुके हैं टायर आगे वाले, पीछे वाले सॉरी, अब लग रहा है सही वाला मॉन्स्टर। तब भी आप देख सकते हो दोनों टायर का जो फर्क है, मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये टायर कितना छोटा दिख रहा है, और ये कितना, और वो 80 है ये MT है, प्लस साइज का जो डिफरेंस है वो तो है ही है। तो अभी इससे हाइट में भी फर्क पड़ेगा, और मैं जिमनी के लिए, बिकॉज देखो यार ये गाड़ी मेरे को ना चलाने के लिए भी चाहिए, तो मैं इसे उस तरह से मॉड नहीं करूंगा, मतलब बहुत बड़ा टायर स्टार्टिंग में अभी तो नहीं डालूंगा, बिकॉज अभी मेरा ट्रिप ट्रुप का प्लान है, बहुत सारे प्लान है, तो इसलिए ऐसा टायर जो परफॉर्मेंस भी दे, लुक्स भी दे, एंड प्रैक्टिकल भी हो। फाइनली यहाँ के तो दोनों टायर लग गए, अब यहाँ से आपको लुक्स जो है सही वाली दिखेगी, और यहाँ से गाड़ी का आ रहा है एकदम सही वाला लुक। बट अभी एक दिक्कत हमें आ चुकी है, बिकॉज ये जो टायर हम डाल रहे हैं इसका साइज है ज्यादा, और यहाँ से आप देख सकते हो लैडर और इस टायर के बीच कितना सा फर्क है, तो जब हम ये टायर डालेंगे तो हमें लैडर को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, लैडर इतने पे तो फिक्स नहीं होगी, तो चलो कोई नहीं देखते हैं। गाइस फाइनली चारों टायर फिट हो चुके हैं, अब आ गई साइज देखने की बारी, पड़ा फर्क है इतना फर्क, ये कितना हुआ, 2 इंच की इसमें लिफ्ट किट डाल देंगे, 4 इंच बहुत होती है, 4 इंच लिफ्ट बहुत है। तो चलिए गाइस फिलहाल का यही सीन है, बस अब पिछले टायर का कुछ करना पड़ेगा हमें जुगाड़, क्या करना है, ये लैडर की वजह से दिक्कत आ रही है क्योंकि टायर लगा के ही पता चलेगा, चलो पहले टायर लगा के देखते हैं, लगता है नहीं लगता। लैडर हमें थोड़ी सी खिसकानी पड़ेगी, खिसकाई तो है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ से रैप पे भी थोड़ा सा आ गया है, देखते हैं अगर टायर फिट नहीं हुआ, और यहाँ ये बिल्कुल ना साथ में लग रही है, तो अगर अभी टायर फिट हो गया तो इसे रहने देंगे, नहीं तो सीढ़ी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि लुक तो टायर से ही आएगी, लुक जो है वो टायर से आएगी, टायर मतलब टायर लगाना जरूरी है, सीढ़ी अगर ना भी लगे तो। फाइनली पांचों टायर हो चुके हैं फिट, और हमारा पीछे वाला टायर भी फिट हो गया, हालांकि लैडर के साथ ये थोड़ा सा टच कर रहा है, बट कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो लुक है मेन गाड़ी की वो आनी है इसी टायर के साथ ही ना। अब देखो यहाँ से अब लग रहा है ना एकदम मिनी मॉन्स्टर, मतलब अब इसको एक नाम जो हमने गॉब्लिन दिया हुआ है वो एकदम जस्टिफाई होता है। बाकी आपको टायर कैसे लगे, अभी यहाँ शोर है ना,
घर पहुंच के आपको बताता हूँ सारा। तो चलो फटाफट से इसकी एक ट्राई लेते हैं और बाकी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हमने लेने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़े थे, सारे लोग सोच रहे हैं कोई पागल आदमी गाड़ी के ऊपर क्यों चढ़ा है, तो चलो आप उतर जाते हैं। फाइनल शॉट भी हमने ले लिए, आप कुछ शॉट जो है घर जाके लेंगे। टायर्स आ जाएंगे, नहीं नहीं दूसरे वाले टायर्स पहले हमें चाहिए। और निकलते हैं और जो भी अपडेट है वो आपको बताते हैं। गाइस इधर देखो बाद में, बाद में क्या चल है, मिलते नहीं हो आप। टायर तो हमने डलवा लिए हैं, बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, मुझे इसका स्टीयरिंग लाइट फील हो रहा है। ये पीछे वाली सीट बेल्ट खुली है, मैंने अपने वाली सीट बेल्ट पहन के रखी है, मतलब इसका स्टीयरिंग मुझे लाइट फील हो रहा है। जहाँ तो पहले वाले जो मैंने जिप्सी के टायर डाल रखे थे उसमें कोई इशू था, पर उसका सिर्फ मुझे इकलौता ड्रॉबैक वो ये लग रहा था कि इसका स्टीयरिंग ना हार्ड हो जाएगा इन टायर्स के बाद। नेक्स्ट आपको वीडियोस में हम इसका हाई स्पीड भी दिखा देंगे कि क्या इसकी स्पीड पे परफॉर्मेंस है, ये एवरेज वगैरह सब कुछ आपको बता दूंगा। 235 टायर अपडेट तो बहुत वीडियोस देखी है, बट किसी का टायर भी ना एम्प्टी नहीं देखा मैंने, तकरीबन सबने 80 टायर ही डलवाया, मेरे वाला जो है वो एम्प्टी है। तो चलो जो भी सीन है वो आपको दिखाते हैं, तो फिलहाल चलते हैं घर और भैया को टायर्स दिखाते हैं। कुछ चेंज लग रहा है गाड़ी में? कैसे लग रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ी लग रही है कि मस्कुलर लग रही है थोड़ी। भैया को भी गाड़ी के जो लुक सेट है, बहुत सही है ना। तो अभी हमने एक चीज चेक करनी है, आप अंदर बैठो और हमने देखना है कि कहीं पे टायर टच होता है नहीं होता। थोड़ा बहुत गाड़ी को जो है आर्टिकुलेशन पे भी डाल के देखेंगे। जो अंदर एक टायर पड़ा हुआ है ना, मैं आपको अंदर वाला टायर भी दिखा देता हूँ। सो ये जो टायर है मैं चेक करने के लिए लाया था, ये भी सेम साइज है 235/75R15, ठीक है, पर ये है एक्सेलरा कंपनी का एंड दिस वन इज कुछ नई कंपनी ही है आई लिंक। बट क्या है कि मेरे को पैटर्न इसका अच्छा लगा और एम्प्टी तो एम्प्टी है ना, इसको सिर्फ स्टीयरिंग घुमाओ उस साइड पूरा। ओके, तो कुछ नहीं टच कर रहा है, मतलब ये उतना नॉर्मल रोड पे हमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑफ रोड पे मे भी हो सकता है इस साइड, हाँ इस साइड तो चांस ही नहीं है, इस साइड तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, यहाँ से ये बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। बट हो सकता है ऑफ रोड पे ये टायर वायर टच करे, तो हमें गाड़ी को लिफ्ट करवाना है नहीं करवाना वो हम बाद में देखेंगे। थोड़ी सी आर्टिकुलेशन चेक कर लेते हैं ताकि हमें आगे से पता चल जाएगा। इधर ले आओ, यहाँ पे हमारे पास ऑब्स्टेकल है। अब जिमली मस्कुलर लग रही है एकदम, तो ये जो है ना ये टिब्बा, और देखो पीछे से भी टायर अच्छा लग रहा ना। बस तो यहां से भी आप देख रहे हो इवन कि ऊपर चढ़ने पे भी वो टायर पूरा घुमाओ दूसरी साइड बस यहाँ पे ये थोड़ा सा इस फ्लैप के साथ टच करेगा, बट ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल ये टायर साइज जो है परफेक्ट है, ये देख सकते हो कहीं पे किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, सक्सेसफुल टायर अपग्रेड कह सकते हैं हम। बाकी अभी ऑफ रोड पे जब गाड़ी परफॉर्म करेगी तो तभी पता चलेगा हमें। तो चलिए जी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और ये रहा आज का हमारा सक्सेसफुल टायर अपग्रेड। तो बाकी टायर अपग्रेड काफी ज्यादा जरूरी था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कब करना है कब करना है, फाइनली हो चुका है। फिलहाल के लिए अलॉयज जो है वो अच्छे लग रहे हैं और मुझे नहीं जरूरत लग रही कि हमें अलॉयज को जो है अपग्रेड करने की जरूरत है, बट देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो कर भी लेंगे। तो ठीक है आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ कहना चाहोगे आप? और कुछ भी नहीं। आज आप कहाँ थे? मैं टायर बदलवाने गया, आप मेरे साथ नहीं गए? मैं बस आराम फरमा रहा था, लेटा हुआ था। पबजी नहीं। अब आपको पबजी आप दिखते नहीं रहे खेलते हुए, फेज होता है लाइफ का, कभी एकदम से ऊपर आता है कभी नीचे आता है। भैया को एक गेमिंग चैनल बना के देंगे। नहीं यार कोई नहीं, रिस्पॉन्स तेरे चैनल पे नहीं आ रहा, मेरे पे क्या है? सही बोलते हैं, चलो जी।